लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सूबे के गलियारों से आज कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। कोरोना वैक्सीनेशन का आज तीसरा चरण शुरू हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत देश के कई दिग्गज नेताओं ने कोरोना का वैक्सीन लिया। जेडीयू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 70वां जन्मदिन मनाया। केक काटे गए, मिठाइयां बांटी गई और स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। सारण में महिला मुखिया के पोते की अपराधियों ने की हत्या। और एक बार फिर एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए। अब खबरें विस्तार से। कोरोना वैक्सीनेशन का आज से तीसरा चरण शुरू हो गया। इस चरण में 60 प्लस एज वालों को वैक्सीन दिया जा रहा है। इसके तहत आज दिल्ली एम्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो पटना IGIMS में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैक्सीन लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद व रेणु देवी के अलावा शिक्षा मंत्री विजय चौधरी व ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने भी टीका लिया। सबों को आधा घंटा तक डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया। 31 मार्च को दूसरा डोज पड़ेगा। इनके अलावा आज उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह व एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने भी कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया। कोरोना वैक्सीनेशन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन कराना है वे टीका जरूर लें। केंद्र सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन जारी की है। हम लोगों ने पहले से ही तय कर दिया था कि बिहार में टीकाकरण फ्री में होगा। वैक्सीनेशन के लिए सरकारी अस्पतालों के अलावे लगभग 50 प्राइवेट हॉस्पिटल भी चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों में भी मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि वैक्सीन लेने के बाद 30 मिनट तक डॉक्टरों एवं एक्सपर्ट्स की निगरानी में अन्य लोगों की तरह हमें भी बिठाया गया। मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई, हम बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पहला डोज लेने के 28 दिनों के बाद दूसरा डोज भी अनिवार्य रूप से लेना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 70 साल के हो गए। जेडीयू ने पूरे बिहार में जश्न मनाया। मुख्य कार्यक्रम पटना स्थित पार्टी मुख्यालय में किया गया। पार्टी के सभी प्रकोष्ठों के नेता जुटे थे। मौके पर केक काटे गए, मिठाइयां बांटी गई, चिकित्सा प्रकोष्ठ की ओर से स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत अन्य मंत्रियों व नेताओं ने उन्हें बधाई दी। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबों के प्रति आभार भी प्रकट किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन उनके गृह जिला नालंदा में भी धूमधाम से मनाया गया। नालंदा में राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह खुद मौजूद रहे। 70वें जन्मदिन का अवसर था, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह ने 70 पाउंड का केक काटकर जन्मदिन का जश्न मनाया। इसके अलावा अन्य जिलों में जेडीयू के लोगों ने मुख्यमंत्री के जन्मदिन को विकास दिवस के रूप में मनाया। उनकी तस्वीरों को लोगों ने मिठाई खिलाई और लंबी उम्र की कामना की। पश्चिम बंगाल समेत देश के 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है। इन प्रदेशों में RJD भी चुनाव लड़ना चाहता है। इसको लेकर तेजस्वी यादव चुनावी राज्यों के दौरे पर हैं। असम के बाद आज वे पश्चिम बंगाल पहुंचे। वहां उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। दोनों के बीच बंगाल में RJD के चुनाव लड़ने पर चर्चा हुई। उनसे तेजस्वी ने कहा कि RJD सुप्रीमो लालू यादव का मैसेज लेकर आया हूँ। हमारी पहली प्राथमिकता BJP को बंगाल की सत्ता में आने से रोकना है। सियासी गलियारों में हो रही चर्चा के अनुसार 5 से 7 सीटों पर RJD पश्चिम बंगाल में उम्मीदवार उतार सकता है। पटना का JP गोलंबर आज काफी देर तक रणक्षेत्र बना रहा। दरअसल वाम दलों के छात्र संगठनों का आज विधानसभा मार्च कार्यक्रम था। यह मार्च जब JP गोलंबर पहुंचा तो पुलिस ने उसे रोक दिया। इस मौके पर संगठन के लोग उग्र हो गए। मामला इतना बढ़ गया कि स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इतने पर भी मामला नहीं संभला, दोनों ओर से पथराव होने लगा। फिर पुलिस ने लाठी चार्ज किया, तब जाकर मामला शांत हो पाया। अब जिलों की खबरें।
बिहार में हत्या की घटनाएं थम नहीं रही हैं। ताजा मामला सारण का है। मोहम्मदपुर पंचायत की मुखिया सिया देवी के पोते अवनीश उपाध्याय को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक 22 वर्षीय अवनीश के पिता शैलेंद्र उपाध्याय ईंट भट्टे के कारोबारी हैं। उनका अपना स्कूल भी चलता है। हत्या की इस घटना ने इलाके में सनसनी मचा दी। वारदात मांझी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर में हुई है। अपराधियों ने पहले अवनीश के सिर में गोली मारी, उसके बाद उसके शव को ईंट पाथने वाले खटाल में फेंक दिया। शव मिलने के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र के माधोपुर में जहरीली शराब कांड में एक और व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक की पहचान मनोज राय के रूप में हुई है। वे 3 दिनों से अस्पताल में इलाजरत थे। इसके पहले माधोपुर में गुड्डू व छोटू की मौत हो चुकी है। डीएसपी पश्चिमी सईद इमरान मसूद के अनुसार मनोज राय इस केस में अभियुक्त था। पुलिस ने इस मामले में मृतक मनोज की पत्नी समेत नाश्ता दुकानदार मिथुन को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने चमकी बुखार से लड़ने को कमर कसी। डीएम प्रणव कुमार ने आज सदर अस्पताल में कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया, साथ ही टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया ताकि मरीजों या आम आदमी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, वे बीमारी से जुड़ी जानकारी ले सके। फोन पर ही लोग डॉक्टर से लेकर नर्स स्टाफ तक की जानकारी ले सके। टोल फ्री नंबर है 1800-3456629। इस पर आप फोन कर संबंधित जानकारी ले सकते हैं। और अंत में किचन का बजट बिगाड़ने वाली खबर। जी हाँ, एक बार फिर एलपीजी गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया है। सरकारी तेल एवं गैस कंपनियों ने 14.2 किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए का इजाफा कर दिया है। इसी तरह 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में भी 97 रुपए की वृद्धि कर दी गई है। नई दरें एक बार से प्रभावी हो गई है। जनवरी में अब तक महज 60 दिनों में घरेलू रसोई गैस की कीमत में छठी बार वृद्धि की गई है। इसके तहत अब पटना में घरेलू गैस सिलेंडर 917.50 रुपए में मिलेंगे। दिसंबर में इसकी कीमत 692.50 रुपए थी। 2 माह में इसमें 225 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ फरवरी माह में 3 बार इसके दाम बढ़ाए गए हैं। आज मार्च की पहली तारीख है और आज एक बार फिर से इसके दाम में इजाफा कर दिया गया है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें और साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।